गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों को संध्या काल का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अमित सर की इंग्लिश क्लास में। मैं अमित सर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। नीतीश कुमार जी गुड इवनिंग, राहुल बिंगी जी, नीतीश गुड इवनिंग। एक बार आप लोग मुझे बता दें क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? क्या आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गुड इवनिंग नीतीश जी। स्वास्थ्य भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, मेडिसिन ले लेकर के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मेडिसिन ले लेकर के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए, आज का जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है नाउन का ही एक अगला सेगमेंट है। आपने थ्री इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस ऑफ नाउन पढ़ लिए हैं। देखिए, नाउन को छः पार्ट में पढ़ना है। कौन से छः पार्ट? एक होता है आपका थ्री इम्पॉर्टेंट बॉक्स ऑफ नाउन, दूसरा होता है आपका रूल्स ऑफ नाउन, तीसरा आपका होता है पजेसिव केस ऑफ नाउन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चौथा होता है फॉरेन प्लूरल, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। पांचवा आपका होता है, गुड इवनिंग नितेश, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग स्मिता जायसवाल। और फिफ्थ नंबर पे आता है कलेक्टिव रेफरेंसेस, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और लास्ट होता है नाउन में आपका कंफ्यूजिंग वर्ड। इतने सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद आप कहोगे कि हमारा नाउन चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। आज मैं आपको ये सेकेंड लास्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, कलेक्टिव रेफरेंस, उसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फिर हमारा ये नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल, जिन लोगों ने नहीं किया है बेल आइकन को, जिन्होंने प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ऑल पे सेट करेंगे बेल आइकन को। केवल बेल आइकन प्रेस करने पर काम नहीं चलेगा, ऑल पे आप सेट करिएगा, ताकि किसी तरीके से जब मैं आपको वीडियो लेकर के आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा। चलिए, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे इस चैप्टर को पढ़ने का क्या रीजन है, ना पढ़ा जाए, क्या मिलेगा इसमें से, कैसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला तरीका तो क्वेश्चन का आपका यही हो जाएगा, ठीक है? पहले तरीके का क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएगा कि अलग अलग चीजों के ग्रुप को, समूह को क्या कहते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप फंस जाओगे। कैसे? जैसा कि दो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया, एक ये आ गया पेपर में, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कह रहा है कलेक्शन ऑफ एग्स, अंडों का जो कलेक्शन होता है, ढेर सारे अंडों को अगर हमने जुटा करके रखा है
तमाम सारे अंडों को हमने जो है इकट्ठा करके रखा है। ये अंडा है, एक ये अंडा है, एक ये अंडा है, एक ये अंडा है और एक ये अंडा है। अलग अलग हमारे पास जो है ढेर सारे अंडे हैं, तो अंडों के समूह को क्या कहते हैं? अब चार ऑप्शन उसने हमको दे रखा है। पहला ऑप्शन उसने हमको दे रखा है क्रैश, ठीक है। एक दे रखा है क्लस्टर, एक क्रैश, अंडों के समूह को या तो क्रैश कहते हैं या फिर क्लस्टर कहते हैं या फिर क्लच कहते हैं या गेयर कहते हैं। अब क्या कहते हैं पता नहीं। अब जो कहते हैं हमको कैसे पता चलेगा? जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, जब आपने कलेक्टिव रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा होगा कि किसके समूह को क्या बोला जाता है, तभी तो आप बता पाओगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। अदरवाइज आप कैसे बता पाओगे? कतई नहीं बता पाओगे। इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आइए अब एक और आपको दिखा दिया जाए, एक और आपको दिखा दिया जाए, ठीक है। एक और आपको दिखाते हैं। अब फिलहाल इसका जवाब अगर किसी को आता हो तो वो बता दे मेरे को, तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोगों को ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही जवाब है स्मिता जायसवाल जी, क्लच आपने जो बताया है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अंडों के समूह को ये सी ऑप्शन हमारा सही है, क्लच बोलेंगे। अब यहां पर देखिए और भी हमको बहुत सारे, ये देखिए एरर डिटेक्शन में आ गया, एरर डिटेक्शन में आ गया। क्या आ गया? अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा होता जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, कह रहा है क्लाउड ऑफ लायंस वर सीन टुडे एंड दे वर मूविंग फॉरवर्ड टू द सिटी साइड। अब यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है कि शेर के समूह को जो इन्होंने बोला है, शेर के जो ग्रुप को जो बोला जाता है, जो लायन का जो ग्रुप होता है, लायन के ग्रुप को हम लोग जो है, लायन के ग्रुप को क्लाउड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। तो एक गलती तो ये इन्होंने दे रखी है, शेर के समूह को क्या कहते हैं? प्राइड बोलते हैं, तो प्राइड ऑफ लायन। अब ये प्राइड हमारा कैसा नाउन है? इनका समूह है यानी ग्रुप है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। और नाउन के रूल्स में मैंने कहा था कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, तो जब ये सिंगुलर होता है तो ये वर क्यों लिखा हुआ है? यहाँ वॉज होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा था कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और नॉन लिविंग जैसा ट्रीट करते हैं, तो दे क्यों लगाया? इसको सिंगुलर करो, सिंगुलर में तीन होते हैं ही शी इट, तो इसको अगर नॉन लिविंग मानते हो तो यहाँ इट करिए। जब इट कर दिया तो ये वर क्यों लिखा हुआ? इट के साथ वॉज लगेगा, तो क्या हो गया? ए प्राइड ऑफ लायंस वॉज सीन टूडे एंड इट वॉज मूविंग फॉरवर्ड टू द सिटी साइड, ठीक है। इट वॉज मूविंग फॉरवर्ड टू द सिटी साइड। तो ये हमारा जो है इस तरीके का ये चैप्टर है जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ों के समूह के बारे में बताएंगे, अलग अलग चीज़ों के ग्रुप के बारे में बताएंगे, किसके ग्रुप को क्या इंग्लिश में कहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि आज के इस चैप्टर में हम क्या जानने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक तो पार्ट मैंने आपको दे रखा है कलेक्टिव रेफरेंस टू पीपल। सबसे पहले हम इसमें केवल इंसानों को लेंगे, पीपल को लेंगे, ठीक है। इसमें केवल इंसान रहेंगे, पीपल का कलेक्शन हम लेंगे, ठीक है। नो बर्ड्स, नो एनिमल्स, नो थिंग्स, ठीक है। इसमें ना तो हम किसी तरीके का कोई जानवर लेंगे, ना पक्षी लेंगे, और ना ही किसी तरीके की चीज़ सामान वस्तु लेंगे। तो पीपल होगा, कलेक्टिव रेफरेंस टू पीपल, ये ए हो जाएगा। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो बी में आ जाएंगे, कलेक्टिव रेफरेंस टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसमें केवल बर्ड्स और एनिमल्स का झुंड समूह हम कलेक्शन लेंगे, ठीक है।
और तीसरा जो है हम देखेंगे कलेक्टिव रेफरेंस टू थिंग्स, चीज सामान वस्तुओं का कलेक्शन हम इसमें दिखाएंगे, फिर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जहां तक हो जाएगा वहां तक करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं, लिखा हुआ है कलेक्टिव रेफरेंस टू पीपल। पीपल में सबसे पहले हम देने जा रहे हैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। क्या कहा मैंने, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन जिसका कलेक्शन होता है वो प्लूरल ही होगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है लेकिन जिसका कलेक्शन है वो प्लूरल होगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर लेकिन जिसका कलेक्शन है वो प्लूरल। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है सोल्जर्स, तो सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। तो आर्मी तो सिंगुलर में रहेगा, लेकिन देखिए जिसका कलेक्शन है वो प्लूरल में लिखा गया है। वो कैसा लिखा गया है, प्लूरल में लिखा गया है, ओके सोल्जर्स लिखा गया। अगर आपने आर्मी आप सोल्जर लिख दिया होता सोल्जर, तो गड़बड़ हो जाता। तो याद रखिएगा सोल्जर्स का कलेक्शन क्या होता है, आर्मी होता है, ठीक है। अब यही आर्मी अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाए तो सोल्जर्स का जो है एक और कलेक्टिव नाउन बन जाता है, थोड़ा छोटा रेशियो उसका होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। उसको हम बटालियन या रेजिमेंट भी कहते हैं। तो आपके कौन कौन से वर्ड हो गए, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बटालियन ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स के लिए आप ये तीन में से कोई भी शब्द अगर दिया है तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। अब जज की बात करते हैं, जज जानते हैं जो न्यायालय में निर्णय लेते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ न्यायाधीश, का समूह क्या कहलाता है, बेंच कहलाता है। क्या कहलाता है, बेंच कहलाता है। तो बेंच ऑफ जजेस, बेंच ऑफ जजेस, क्या बोलते हैं, बेंच ऑफ जजेस। और महिलाओं का, औरतों का, लेडीज का, गर्ल्स का जो समूह होता है, गर्ल्स वुमेन लेडीज कुछ भी बोलो, इनके झुंड को क्या बोला जाता है, इनके समूह को बोला जाता है बेवी। क्या बोलते हैं, नॉट बेबी, क्या बोलते हैं, बेवी, बेवी ऑफ गर्ल्स, बेवी ऑफ गर्ल्स, बेवी ऑफ वुमेन, बेवी ऑफ लेडीज। हाँ, तो कलेक्टिव नाउन देखो सिंगुलर, लेकिन जिसका कलेक्शन है वो हम प्लूरल में लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो गर्ल्स लिखा है, विमेन लिखा हुआ है, लेडीज लिखा हुआ है ना, प्लूरल में। अब जब महिलाओं का हो गया तो बॉयज का भी तो होगा, मैन का भी तो होगा, तो लड़कों का या आदमियों का समूह क्या कहलाता है, बैच कहलाता है, बैच, बैच ऑफ बॉयज, या बॉयज ना बोलना चाहें तो मेन भी कह सकते हैं, मेन जैसे वुमन वैसे मेन। और जो अलग अलग कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर्स, निर्देशक है ना, और ट्रस्ट के जो मेंबर होते हैं, ट्रस्ट के जो मेंबर होते हैं ट्रस्टी बोलते हैं, तो डायरेक्टर और ट्रस्ट के जो मेंबर होते हैं इनके समूह को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा बोर्ड, बोर्ड क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सुना होगा आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया है, ठीक है। वो कौन सी मूवी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी और ये अक्षय कुमार थी, है ना, अक्षय कुमार भी थे, प्रियंका चोपड़ा की कंपनी में काम करते थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाता है अक्षय कुमार को। कौन सी है, ऐतराज, ऐतराज मूवी में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कह सकते हैं, या ट्रस्ट के मेंबर का समूह भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अगला देखते हैं हम मर्चेंट्स का, मर्चेंट्स माने क्या होता है, व्यापारी, पिलग्रिम्स माने क्या होता है, पिलग्रिम्स माने तीर्थयात्री, एंड ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स माने क्या होता है, यात्री, यात्री, हाँ ऐतराज मूवी, यस,
एक कैरवन ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स। तो ये जो है आपका, चाहे मर्चेंट का पूछे, चाहे पिलग्रिम्स का पूछे, चाहे ट्रेवलर्स का पूछे, आपको पता होना चाहिए इनके ग्रुप को, इनके समूह को कैरवन बोलते हैं। कारवां हिंदी में बोलते हैं, कारवां कारवां, कैरवन आप कह सकते हैं, कैरवन, CARVAN, कैरवन। तो कैरवन आप बोल सकते हैं, कारवां हिंदी में कैरवन ऑफ मर्चेंट्स, कैरवन ऑफ पिलग्रिम्स, कैरवन ऑफ ट्रेवलर्स। नेक्स्ट आ जाइएगा, स्टूडेंट्स का समूह क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स का समूह क्या कहलाता है? जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के समूह को क्या नाम दिया जाएगा? चलिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। स्टूडेंट्स के समूह को क्या कहा जाता है? जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वहाँ क्लास चल रही होती है। क्या चल रही होती है? पुष्पेंद्र यादव जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग पुष्पेंद्र जी, आज आप टाइम पे हैं, बिल्कुल सही समय पे हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। और अगला हम देखते हैं, एक्टर जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, जो रंगमंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और लोग तालियां बजाते हैं उनके अच्छे एक्टिंग के लिए, जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो किसी भी मंच के कलाकार होते हैं, एक्टर जो होते हैं, इनकी जो मंडली होती है, इनका जो समूह होता है, वो कंपनी कहलाती है। इसीलिए कभी सुना होगा नाटक कंपनी के लोग आ गए, नाटक कंपनी में भर्ती हो गए क्या तुम? ये कैसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, हैं? ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? घर वालों ने कभी डांटा होगा कभी, क्या नाटक कंपनी में भर्ती होना है क्या, ऐसे बोला होगा। तो कंपनी ऑफ एक्टर्स, तो एक्टर्स यानी हिंदी में मैं लिखता जा रहा हूँ जिसकी हिंदी आपको प्रॉब्लम कर रही, जैसे मर्चेंट लिख दिया, पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स, इसी तरह इसको कह देंगे कलाकार, कलाकारों का समूह। कलाकारों का समूह। अब अगला देख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रतिनिधि, जो अपनी कंपनी का या अपने मालिक का या जिसके भी वो प्रतिनिधि हैं उसका सपोर्ट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कहते हैं प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रतिनिधियों का समूह, प्रतिनिधियों का समूह क्या कहलाएगा? प्रतिनिधियों का समूह कहलाएगा कांग्रेस। जैसे किशोरी लाल शर्मा का नाम सुना होगा, केएल शर्मा का नाम सुना होगा, कौन है ये? केएल शर्मा जी जो हैं वो सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं। सोनिया गांधी का कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो पहले किशोरी लाल शर्मा जी वहां पर जाकर के पूरा मौका मुआयना करते हैं, देखते हैं, समझते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, या जहां पर सोनिया जी नहीं जा सकती हैं तो वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव किशोरी लाल शर्मा जी को जाना होता है। तो कांग्रेस में ये हैं, तो आप ऐसे याद रखो कि सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, बहुत मतलब कितना, बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 11 नंबर वाला, इसको भूलना नहीं, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स क्या होता है? सेलर्स का मतलब होता है समुद्री यात्री या नाविक। समुद्री यात्री या नाविकों का जो समूह होता है क्या कहलाएगा? क्रू कहलाएगा। यही आपको याद रखना है, कल को आप बोल दीजिए कंपनी ऑफ सेलर्स या क्रू ऑफ एक्टर्स बोल दो आप, क्रू यहाँ लगा दो, क्रू ऑफ एक्टर्स तो रॉन्ग हो जाएगा ना। यही चीज़ तो आपको पढ़ना है, यही पढ़ाई है, यही एजुकेशन है, यही हमको तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं थोड़ा सा विश्वास करते हुए
और वैसे भी कौन सा आपका कुछ जा रहा है, आपका टाइम ही तो जा रहा है, ना आपसे कोई फीस ली जाती है, ना किसी तरीके से आपके साथ चीटिंग हो सकती है, है ना। तो आपको पढ़ना है, पढ़िए पढ़िए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेरा पढ़ाना जो है वो सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तो वो होगा कब, जब आप ध्यान लगाकर रोजाना क्लासरूम की तरीके से इसको आप समझोगे यूट्यूब को, तभी आप समझ पाओगे। अगला देखिएगा, अगला जो समाज में निगेटिव रोल अदा करते हैं, विलेन का काम करते हैं, जैसे प्रिजनर्स कैदी, रॉबर्स, रॉबर्स मतलब लुटेरे डाकू डकैत, थीफ्स चोर, देखिए सबकी श्रेणियां एक जैसी, कन्विक्ट अपराधी, कन्विक्ट मतलब अपराधी, पिक पॉकेट्स जेब कतरे, मर्डरर्स हत्यारे, ठीक है। तो चाहे आप प्रिजनर की बात करो, चाहे आप रॉबर्स की बात करो, चाहे आप थीव्स की बात करो, चाहे आप कन्विक्ट्स की बात करो, चाहे पिक पॉकेट्स की बात करो, चाहे मर्डरर्स की बात करो, इनमें से किसी के भी समूह की अगर बात की जाएगी तो इनके समूह को, इनके झुंड को हम एक ही नाम देंगे, गैंग होता है। गैंग, गैंग बुरे लोगों का ही होता है, गैंग जो है समाज के बुरे लोगों का ही होता है। हंस राज जी, नाइस सर, व्हाट नाइस, थैंक यू, आई डू नॉट नो फॉर व्हाट यू सेड नाइस सर, बट आई एक्सेप्ट योर नाइस, थैंक यू वेरी मच। गैंग ऑफ प्रिजनर्स, रॉबर्स, थीव्स, कन्विक्ट, पिक पॉकेट्स एंड मर्डरर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर 13, नेक्स्ट वन इज नंबर 13। स्लैब्स का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है, क्या होता है, गुलाम होता है, और गुलामों का जो समूह होता है, गुलाम दास, हम कलेक्टिव रेफरेंस पढ़ रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि आखिरकार हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पेपर में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज हर एक चीज़ को लेकर के हमें चलना पड़ेगा। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, पता नहीं वहाँ सुई की नोक से लेकर के हवाई जहाज़ के पुर्जों तक कुछ भी पूछ सकता, उसका कोई भरोसा, उसका कोई भरोसा क्या पूछ ले। अब या तो कोई हमें बता दे सर पेपर में ये 40 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 50 क्वेश्चन आएंगे, यही पढ़ा दो, तब चलो मैं पढ़ा दूँ। लेकिन अब हमें भी नहीं पता है, पता नहीं कौन सा चैप्टर आए, कौन सा ना आए, कितना आए कितना ना आए, ये तो आपको फिर पूरी तैयारी, अच्छा योद्धा वही है जो पहले से तैयारी रखे। तो ये आपके देखिए इस साइड वाले आपके 13 मैंने बताए, क्लियर हो गए, इसमें किसी को कोई डाउट एक बार देख लीजिए, मैं पूरे दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने शुरू किया आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स सिपाहियों का समूह, आर्मी दूसरा भी होता है, बटालियन रेजिमेंट या सोल्जर्स भी होता है। जजेस यानी न्यायाधीशों का समूह जो होता है, बेंच ऑफ जजेस। लड़कियों महिलाओं औरतों का समूह, बेबी ऑफ गर्ल्स। आदमियों का समूह, लड़कों का समूह, बैच ऑफ बॉयज। डायरेक्टर या ट्रस्टीज का समुदाय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स का समूह क्या कहलाता है, कैरवन। स्टूडेंट्स का समूह क्या कहलाता है, क्लास। एक्टर्स कलाकारों का समूह, कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों का समूह, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। और समुद्री यात्रियों का क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स। प्रिजनर्स, रॉबर, थीव्स, कन्विक्ट, पिक पॉकेट्स एंड मर्डरर्स का गैंग, गैंग हो गया। और स्लैब्स का समूह हो गया, गुलामों का समूह हो गया, कॉफल, कॉफल ऑफ स्लैब्स, कॉफल ऑफ स्लैब्स, ठीक है। अच्छा, मैंने जो इससे पहले जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लाइव क्लास में फॉरेन प्लूरल, उसका मैंने पीडीएफ आपको दे दिया था, मिल गया आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर। जिनको नहीं पता है पीडीएफ कैसे मिलता है, वो अभी अभी इसी चैनल पे बैक हो जाइए, चैनल पे जहाँ सब्सक्राइब लिखा है वहाँ पे यहाँ इसी के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा,
और फिर लिंक को क्लिक करके आप वहां पर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे अभी पढ़ोगे, दो दिन के बाद आप ये भूल जाओगे। दो दिन के बाद क्या, मैं तो कहता हूँ कि पढ़ने के एक घंटे बाद ही हमारा 40% माइंड से उतर जाता है। नेचर है ये नेचुरल है, इसमें कुछ नहीं, हर आदमी का नेचर होता है। अगला देखिएगा, लोगों का समूह क्या कहलाएगा, गैदरिंग कहलाएगा। समूह लोगों का किसी खास अवसर के लिए, किसी खास काम के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं, तो किसी खास अवसर पर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो पीपल का समूह गैदरिंग कहलाता। कहते हैं उनके यहाँ शादी में गए थे भाई, बहुत तगड़ी गैदरिंग थी। अरे प्लेट ना मिली, खाना ना मिला कहीं, आदमी के ऊपर आदमी सवार हो गया, चटनी जो है मेरी जेब के अंदर, रसगुल्ला पैंट के ऊपर, शर्ट के ऊपर से तो जो है दही बड़ा बह रहा था भैया, आदमी एक के ऊपर एक लदा जा रहा था। बड़ी गैदरिंग थी वहां पे, हम तो खाना ही नहीं खाए चले आए। तो पीपल का जो समूह होता है गैदरिंग बोलेंगे, गैदरिंग ऑफ पीपल बोला जाएगा। और अगर एंग्री पीपल की बात कर दी जाए, नाराज हुए लोगों के समूह की मैं बात करूं, कि जो नाराज लोग होते हैं, गुस्से में जो लोग होते हैं, गुस्साए हुए लोगों की जो भीड़ होती है, गुस्साए हुए लोगों की जो भीड़ होती है वो क्या कहलाती है, गुस्साए हुए लोगों की भीड़ को हम गैदरिंग नहीं, वहां पे मॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉब। मॉब तो मॉब किसके लिए होता है, मॉब होता है एंग्री पीपल के लिए, ठीक है। जैसे जब जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी, तो कैशियस है और बाकी उसके साथी जो थे वो सब जो है कह रहे थे मारो ब्रूटस को, मारो कहाँ गया उसको, मारो जिसके घर को आग लगा दो, जहाँ भी मिले छोड़ना नहीं। तो गुस्साए हुए लोगों की भीड़ को मॉब, मॉब में उसकी मौत हो गई, मॉब ने उसे मार डाला, यानी गुस्साई हुई भीड़ ने मार डाला। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। सैवेजेस, सैवेजेस क्या होता है, सैवेजेस होता है, सैवेजेस होता है असभ्य लोग। असभ्य लोग, का समूह, असभ्य लोग का समूह, असभ्य लोगों का समूह, जहां पे ऐसा झुंड हो जहां पर सबके सब असभ्य ही असभ्य हैं, किसी को तमीज नहीं है, जहां बैठे खाना खा रहे हैं को वहीं कुल्ला कर मारे, ठीक है। आदमी बात कर रहा है, बात कर रहा हो मुंह पे ही छींक दें, ना हाथ लगाया, ना रुमाल लगाया, ना मास्क लगाया, करें ले करोना ले, ले करोना ले, लोग कह रहे हैं गो करोना, वो कह रहे हैं लो करोना। तो इनके समूह को क्या बोला जाएगा, सभ्य लोगों के समूह को हर्ड ऑफ सैवेजेस, हर्ड ऑफ सैवेजेस, ठीक है। और अगला है देवदूत, देवदूतों का समूह क्या कहलाएगा, देवदूतों का समूह क्या कहलाएगा। एंजल्स जानते हैं आप क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स होते हैं देवदूत। एंजल्स मतलब होते हैं देवदूत, क्या होते हैं देवदूत। तो देवदूतों का समूह क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, होस्ट ऑफ। लेकिन यहां पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इसको सही कर लो, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये मैटर टाइप करते समय इसको मैं पहले सही कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, ए एन जी ई एल एस, एंजल्स। हेलो,
हेलो। हाँ सर जी, नहीं लाइव क्लास चल रही है यूट्यूब पर। आइए आइए, 1 घंटे 45 मिनट बाद, 45 मिनट के बाद। तो एंजल्स लिखेंगे आप, और ये एंगल हो गया, कोण हो गया था, ठीक है। तो होस्ट ऑफ एंजल्स, एंजल्स मतलब क्या होता है, देवदूत। अब जरा देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ज्यूरीमैन। ज्यूरीमैन क्या होता है, निर्णायक मंडल। जैसे रियलिटी शो चल रहा है, ये यहाँ पे मंच है, यहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है जूरी बैठी हुई है, एक ये बैठे हैं, एक ये बैठे हैं, एक ये बैठे हैं, यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है। अब परफॉर्मेंस करने वाले ने अपनी परफॉर्मेंस दी, डांस वांस हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया, ये भी कह रहे हैं मेरी तरफ से आप मुंबई आ रहे हो, ये भी कह रहे हैं भाई आपका जो है परफॉर्मेंस लाजवाब था, ठीक है, तो आप मेरी तरफ से जो है मुंबई आ रहे हैं। तो ये जो तीन लोग जो हैं मिल करके इन्होंने निर्णय लिया है, ये जूरी हैं। जूरी का क्या फैसला है, आइए देखते हैं। तो सुना होगा आपने, तो जूरी मेन बैठे हुए हैं, और इनका ये जो समूह बन गया वो जूरी कहलाएगी। जूरी, तो जूरी का कलेक्शन, जूरी मेन का कलेक्शन क्या कहलाता है, जूरी मेन का कलेक्शन क्या कहलाता है, जूरी कहलाती है। जूरी मेन का कलेक्शन क्या कहलाता है, जूरी कहलाती है। जूरी जूरी जूरी, ओके। जूरी मेन का कलेक्शन क्या कहलाता है, जूरी कहलाती है, ओके। अगला देखिएगा, इंस्पेक्टर्स को तो जानते ही होंगे आप लोग। इंस्पेक्टर माने क्या होता है, पुलिस वाला ही खाली नहीं इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर कई तरीके के होते हैं। फूड इंस्पेक्टर भी होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर भी होते हैं, हर तरीके के इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जूरी मैन लिखा हुआ, वो इंस्पेक्टर लिखा हुआ है। तो इंस्पेक्टर माने होता है निरीक्षण करता, इसकी शुद्ध हिंदी क्या होती है, निरीक्षण, जो निरीक्षण करे, जो निरीक्षण करे वो निरीक्षण करता, जो निरीक्षण करे वो निरीक्षण करता। तो निरीक्षण करताओं, का समूह, निरीक्षण करताओं का समूह क्या कहलाएगा, पैनल बनता है इन लोगों का। क्या बनता है, पैनल तैयार किया जाता है, और पैनल के साथ जो है ये लोग पूरे निकलते हैं, ठीक है, पूरे पैनल के साथ जो है ये लोग जाते हैं, इंस्पेक्टर लोगों का निरीक्षण जब ये करने जाते हैं। अगला देखिएगा, कांस्टेबल क्या होता है, कांस्टेबल पुलिस के सिपाही होते हैं और सोल्जर सेना के सिपाही होते हैं। तो कांस्टेबल्स तो आप, ये आपका 2-3 बार आ चुका है, इसको भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका TGT में आया है, PGT में आया है, TET में आया है, कांस्टेबल का कलेक्शन, ठीक है, कांस्टेबल का। गुड इवनिंग सौरभ दीक्षित जी, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, और ठीक हैं आप सौरभ जी, वही है ना जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट भी रह चुके हैं कोचिंग में, वही सौरभ दीक्षित जी से मेरी बात हो रही है, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट भी रह चुके हैं कोचिंग में। कॉन्स्टेबल्स, कॉन्स्टेबल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेबल का मतलब होता है पुलिस के सिपाही का समूह। क्या कहलाता है, पुलिस के सिपाहियों का समूह कहलाता है पॉज। क्या कहलाता है, पॉज, पॉज ऑफ, यस निराला नगर, बिल्कुल सही। दीक्षित राय जी, दीक्षित राय उल्टा लिखा हुआ है क्या, दीक्षित राय, राय दीक्षित होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। तो
तो पॉज ऑफ कॉन्स्टेबल हो गया, और एम्प्लॉयज को तो जानते ही होंगे, या सर्वेंट कह लीजिए, नौकरों का समूह, नौकरों का समूह, या इसकी तो हिंदी पता होगा, सर्वेंट और एम्प्लॉय है ना। जब आप एम्प्लॉय बनते हैं, जब आपको नौकरी लगेगी तो आप भी तो सर्वेंट होंगे, होंगे तो आप मालिक तो हो नहीं जाओगे। जब आपकी नौकरी लगेगी तो क्या आप मालिक बन जाओगे? मालिक तो बन नहीं पाओगे भाई। मालिक बनने के लिए तो बिजनेस करो भाई, तो मालिक बनोगे, फिर अपने अंडर में रखो लोगों को, है ना। लेकिन अगर आप जो है जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय बनेंगे, यानी सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट का मतलब केवल झाड़ू पोछा करने वाले को सर्वेंट नहीं कहते हैं, एक डीएम भी सर्वेंट होता है, ठीक है, एक डीआईएस भी जो है सर्वेंट होता है, एक एसपी भी जो है सर्वेंट होता है, एक सेंट्रल स्कूल का जो टीचर है या फिर प्रिंसिपल है वो भी क्या है, एक सर्वेंट है, गवर्नमेंट का सर्वेंट। तो एम्प्लॉय या सर्वेंट का जो कलेक्शन होता है वो स्टाफ कहलाता है। तो सभी स्टाफ, मतलब स्टाफ का मतलब जितने भी एम्प्लॉई हैं, अगर हम उनको बुला दें तो ये हमारा स्टाफ, आप कहोगे देखिए भैया ये हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, इसमें क्लर्क भी हैं, इसमें जो है टीचर्स भी हैं, इसमें प्रिंसिपल भी हैं, इसमें ये भी हैं, ठीक है। तो स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ या स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स के नाम से आप बुला सकते हो। अगला देखिएगा, कलाकारों का समूह क्या कहलाता है? कलाकार, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट माने कलाकार, डांसर्स, डांसर्स का मतलब होता है, डांसर का मतलब होता है नर्तक, ये तो पता ही होगा। और एक्रोबेट का मतलब क्या होता है? नट, नट, नट जानते हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, एक बांस इधर गाड़ा, एक बांस इधर गाड़ा, बीच में जो है आपका रस्सी बांध दी गई, ठीक है, और एक लड़की इसके ऊपर खड़ी हो जाती है और इसके हाथ में एक डंडा होता है और ये चला करती है यहाँ से वहां तक, नीचे लोग ड्रम बजाया करते हैं, गड़गड़ 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 गुड़म 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 गुड़म, ठीक, और बढ़िया बजाते हुए खेल दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, बाद में आप लोगों से पैसे लेकर के अपनी जीविका अर्जन करते हैं। तो इनको नट कहते हैं, ये एक प्रजाति है, एक जाति है, ठीक है, जो अपना जीविकोपार्जन इस तरीके से कर्तव्य दिखा करके पूरा करती है। तो आर्टिस्ट यानी कलाकार, डांसर यानी नर्तक, और नट मतलब होता है, बताया मैंने कि खेल दिखाने वाले। तो इनके समूह को ट्रूप बोलते हैं, टी आर ओ यू पी ई, ट्रूप, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ एक्रोबेट्स, ऐसे याद करना है, ठीक है, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ एक्रोबेट्स। और म्यूजिशियन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई, इसको भी आपको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख लेना है, इसको भी आप हल्के में नहीं लोगे, 23 नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस क्या होते हैं, संगीतज्ञों का समूह, संगीतज्ञों, का समूह, संगीतज्ञों का समूह क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। अपनी शादी में जब तुम बुक करोगे बैंड आप सब लोग, तो वहां पे बैंड में देखो एक आदमी नहीं आएगा, वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 10-12 लोग होते हैं, कोई आर्गन बजा रहा होता है, कोई झुनझुना बजा रहा होता है, तो कोई बड़ा वाला बड़ाम बड़ाम वाला बजा रहा होता है, और कोई तो जो है लाइन से वो कौन सा जिसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है, पौ 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 पौ, आज मेरे यार की शादी है, यही वाला चलता है, पौ पौ पौ, ऐसे बजाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो पूरा बैंड आप बुक करते हो, ठीक है, तो म्यूजिशियंस का समूह क्या कहलाया, बैंड कहलाया, क्या कहलाया, अगला है प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स माने क्या होते हैं, खिलाड़ी। अब इसकी हिंदी तो नहीं लिखने की जरूरत है, इसकी हिंदी तो पता ही होगी आपको, प्लेयर्स, अब इसको क्या लिखूं, टीम, टीम होती है, प्लेयर्स के जो ग्रुप होते हैं, प्लेयर्स का जो समूह होता है क्या कहलाता है, वो टीम ऑफ प्लेयर्स कहलाएगा, टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। और अगला है मर्चेंट्स का देख लीजिएगा, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। अभी कहोगे सर अभी तो आपने मर्चेंट्स का दिखाया था कैरवन, यहाँ पर ये देखिए
मर्चेंट्स का आपने दिखाया था कैरवन, ये देखिए आपने अभी लिखाया था कैरवन, ये मर्चेंट लिखा हुआ है MERCHANTS मर्चेंट, कैरवन ऑफ मर्चेंट्स पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स। अब इधर आप फिर मर्चेंट्स को दिखा रहे हो आप, ये दो बार क्यों? तो चलो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, दो बार आखिर क्यों? ये मर्चेंट और वो मर्चेंट में पहले मैं अंतर स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे मर्चेंट्स का मतलब है एक तरीके से बिजनेस टाइकून, जो बिजनेस के बड़े बड़े नाम हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, दीपक यादव जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर कह सकते हैं बिजनेसमैन, वो भी कैसे हाई प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन जिनके बहुत सारे कारोबार हैं, एक नहीं ये फलाना इंडस्ट्री, ठीक है, धमाका इंडस्ट्री, संजय सिंघानिया इंडस्ट्री, जगत नारायण इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, मर्सिडीज से चलते हैं तो जैगुआर से चलते हैं तो कभी जो है रॉयल्स रॉल्स पर चलते हैं और पता नहीं काय काय चलते हैं, अपने चार्टर्ड प्लेन होते हैं उन सब से चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो मर्चेंट, मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है उनके समूह को क्या बोलते हैं, उनके समूह को हम लोग सिंडिकेट बोलते हैं। और ये जो गली मोहल्ले वाले दुकान वाले, जरा चले जाओ वहाँ, कमला पसंद ले आओ, माणिक चंद गुटका ले आओ जा करके, जरा कौन सा होता है रजनी रजनी गंधा ले आओ जा करके तुलसी के साथ। तो ये जो व्यापारी होते हैं उनको हम वहाँ पे, हमने मर्चेंट वहाँ पे लिया था, तो वो थे क्या हमारे कैरवन, और यहाँ पे जो है वो सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा यार हाँ ना जवाब दो, हमें भी थोड़ा सा लगे कि कुछ लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम भी पंडित जी की तरह कथा बांचते चले जा रहे हैं और सब लोग मुरारी बापू की कथा को बड़े ध्यान से सुनते चले जा रहे हैं। अभी कहेंगे सत्यनारायण स्वामी की जय हो, प्रसाद दीजिए, पंचामृत दीजिएगा, पंजीरी दीजिएगा, तो भैया हाँ ना बोलते रहो, हमारा भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अकेले आपका नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा तो पढ़ाएंगे कैसे। सिंगर्स देखिएगा, सिंगर क्या होता है, सिंगर्स मतलब होते हैं, आपको पता है इसमें क्या लिखूं, आपका गायक, जब समूह में लोग कोई गाते हैं गायक, जैसे आपका जो है जब मॉर्निंग में आप स्कूल में जो है मॉर्निंग में जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर एक साथ सब लोग करते हो ना, गाते हो, या फिर जब हम लोगों को जो है नेशनल एंथम गाना होता तो एक साथ गाते हो ना, गायकों की मंडली, क्या हुआ नितेश भैया काहे हंस रहे हो, हम मजाक बना रहे यार, जल्दी बता दो। पुष्पेंद्र यादव जी का आ गया भाई जवाब, अरे मतलब सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, सुनते रहो भाई सुनते रहो, काम आएगा। गायकों की मंडली होती है, उसको कहते हैं क्वायर, क्वायर, इसको च्वायर च्वायर नहीं पढ़ना, च्वायर नहीं लिखा, क्वायर, क्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स, ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट, अरे अभी तो चूक गए थे, ये होगा क्वायर ऑफ सिंगर्स। नितेश भाई क्यों हंसे यार बताओ, तुम बता नहीं रहे हो, कुछ तो है, हमको भी हंसना है, जल्दी बताओ, हम समझ नहीं पाए कौन सी बात पे हंसे। अच्छा पीपल का देखो, एक तो गैदरिंग भी होता है, एक और मैंने दे रखा, मान लो अगर पीपल का, लेकिन एंग्री पीपल के लिए मॉब ही होगा जो मैंने बताया, मॉब एंग्री पीपल के लिए है, ठीक है, जैसे एंग्री बर्ड आप खेलते होगे वैसे एंग्री पीपल। दस में से चार मैं समझ नहीं रहा यार, कोड में ना बोला करो प्लीज। क्राउड भी होता है, क्या होता है क्राउड, पीपल का समूह क्राउड भी होता है। तो देखिए मैंने आपको 27 अभी फिलहाल बताए हैं, अभी लेटेस्ट में, ठीक है। आप हमारा ये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो,
ठीक है, ये देख रहे हैं आप, गेट इट ऑन गूगल प्ले। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद ये ऐप का नाम है, क्या नाम है, जिस नाम से ये चैनल है, जिस नाम से ये चैनल आप देख रहे हो, अमित सर की इंग्लिश क्लास, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हो। अब ये कलेक्टिव रेफरेंस टू पीपल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा 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 10 ऑनलाइन हैं, जवाब देने वाले 4 केवल आए। अरे ये तो भैया देश दुनिया का हाल है, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे भाई, शर्मीले होंगे भाई, सब शर्मीले होंगे, शर्म आ रही होगी, कोई मेरे को पहचान न ले, हाय रे। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, बाकी सारे दर्शक हैं, सही है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, ये पीपल वाला यहीं पे क्लोज करता हूँ। पीपल वाला मैंने कहा था 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, तो ये पीपल वाला हो गया कलेक्टिव रेफरेंस टू पीपल। अभी 2 हमारे पास बचे हैं, कलेक्टिव रेफरेंस टू बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड थिंग्स। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स वाला चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर थिंग्स वाला देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आता है नंबर बी पार्ट, चलिए बी नंबर पे हम इसको जूम करते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। कलेक्टिव रेफरेंस टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, दीपक यादव जी, सर मैंने गुड इवनिंग किया, आपने बोला ही नहीं, कहाँ किया, लाओ भाई पहले सर्च करें, दीपक यादव जी का गुड इवनिंग ढूंढा जाए, दीपक, अरे हाँ यार एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बहुत गलती हो गई दीपक जी, क्षमा चाहता हूँ भाई, ढेर सारा आपको डबल 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 गुड इवनिंग, ठीक है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, मल्टीप्लाई कर लो 10 से, आपको 10 times गुड इवनिंग, ठीक है। एक्चुअली बेटा क्या होता है ना, जब मैं पढ़ाने में लगा रहता हूँ ना तो कमेंट को तो उतना नहीं देख पाता हूँ, जब नज़र पड़ती है तो जवाब दे देता हूँ। तो हमारा उद्देश्य तो यही है ना यहाँ आ करके कि हम लोग पढ़ाई करें। चलिए यहाँ पे कलेक्टिव रेफरेंस टू देखिए लिखा हुआ है बर्ड्स एंड एनिमल्स लिखा हुआ है, ठीक है, कलेक्टिव रेफरेंस टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बर्ड्स और एनिमल्स के कलेक्शन को हम यहाँ पे नॉलेज लेने जा रहे हैं, तो चलिए बर्ड्स और एनिमल्स के कलेक्शन को देख लेते हैं। अभी पीपल का कलेक्शन हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहला है नाइटिंगल। नाइटिंगल जानते हैं क्या होती है, नाइटिंगल जानते हैं क्या होती है, नाइटिंगल का मतलब होता है बुलबुल, क्या होता है बुलबुल, कैद में है बुलबुल, बुलबुल तो जानते होंगे, नहीं जानते तो दिखा देता हूं, देखो भाई यही है नाइटिंगल, ए दिख जा भाई, दिख जा दिख जा दिख जा, जल्दी दिख जा, नाइटिंगल ये है बुलबुल, इसको क्या बोलते हैं बुलबुल, बहुत प्यारी होती है, कोयल काली होती है, बुलबुल ये होती है, ठीक है। इन्होंने दिखाया है नाइटिंगल को, तो नाइटिंगल आप देख सकते हो, देखिए कितनी प्यारी प्यारी नाइटिंगल है, ये देखिए नाइटिंगल सॉन्ग, ये एक और नाइटिंगल, कितनी सुंदर सी है छोटी सी चिड़िया नाइटिंगल बुलबुल। तो जानते होंगे आप बुलबुल, इसके बारे में क्या बताएं, तो बुलबुल का समूह, बुलबुल का समूह, किसका समूह, बुलबुल का समूह, तो बुलबुल के समूह को हम क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं वॉच, क्या बोलते हैं
वॉच बोलते हैं। तो वॉच ऑफ नाइटिंगल्स के बाद आ जाओ म्यूल। म्यूल क्या होता है भाई मेरे? म्यूल का क्या मतलब होता है? म्यूल एक्चुअली होता है खच्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खच्चर। अब कहोगे सर खच्चर क्या होता है? तो भाई मेरे खच्चर जो होता है ना, घोड़ा और गधा के बीच की प्रजाति होती है। और इनके समूह को हम क्या बोलते हैं? इनके समूह को हम लोग बोलते हैं बैरन। क्या बोलते हैं? बैरन। अब कैसा दिखता होगा? ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे। गधा देखो छोटे साइज का होता है, घोड़ा थोड़ा बड़े साइज का होता है। इन दोनों के बीच का जो, अगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं म्यूल्स। ये कौन से म्यूल्स आ गए? ये देखिए, ये है म्यूल्स। देखा आपने म्यूल? ये देख रहे हैं म्यूल? ये घोड़ा और गधे के बीच की प्रजाति है, इनको म्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए पहाड़ी इलाकों पे आप देखते होंगे ऐसे यात्रा के दौरान। अनुपम ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अधूरा लिखा आपने। ये देखिए ये म्यूल्स हैं। ठीक है, देखिए इसके ऊपर जो है लोग सवार होकर के वैष्णो देवी की यात्रा, अमरनाथ यात्रा करते हैं, ये म्यूल्स हैं। ठीक है, तो म्यूल्स का मतलब हो गया खच्चर, और खच्चरों के समूह को कहते हैं बैरन। बैरन हवा के झोंके से। अब चिकन्स क्या होते हैं? चिकन्स, चिकन्स क्या होते हैं? चिकन्स तो जानते होंगे, चिकन माने होता है चूजा। चूजा मुर्गी का बच्चा, चूजा, चूजों का समूह। चूजों का समूह। आजकल मेडिसिन खा खा के पढ़ा रहा हूं, मेडिसिन खा खा के पढ़ा रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, दिख खाली लिखा था तो हमको लगा आप कह रहे हैं देखा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हॉर्स और डंकी के बीच का प्रजाति है चूजों का समूह। तो चूजों का समूह क्या कहलाएगा? ब्रूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रूड ऑफ चिकन्स। ठीक है, ब्रूड ऑफ चिकन्स। और बस मैं लेफ्ट साइड तक ही ले चलूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है आपका, 6:02 हो चुका है। मछलियों के समूह, ये इम्पोर्टेंट है, पहले तो इसको ध्यान से देखो, ये इम्पोर्टेंट है। मछलियों का जो समूह होता है, झुंड जो होता है, उसके कई नाम है, तीन तीन नाम। शोल भी दे सकते हैं, शोल ऑफ फिश, कैच ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, और लास्ट वाला ही मिलने की, और ये सेकंड मतलब ये कैच और स्कूल यही मिलने की पॉसिबिलिटी है। और फिश का प्लूरल क्या होता है? फिश ही होता है ना। बॉक्स नंबर मैंने ए में बताया था, थ्री इंपॉर्टेंट बॉक्सेस ऑफ नाउन में मैंने बताया था। तो वहां पर मैंने कहा था फिश का प्लूरल फिश होता है, डियर का प्लूरल डियर होता है, शीप का प्लूरल शीप होता है, है ना। तो यहाँ पर शोल ऑफ, शोल या कैच या स्कूल ऑफ फिश का प्लूरल, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, लेकिन जिसका कलेक्शन वो प्लूरल, देख रहे हो आप सबका एस लगा हुआ है। अब फिशेस क्यों नहीं किया? क्योंकि फिश का तो प्लूरल ही फिश होता है। अगला देखिएगा, क्लाउड या प्लेग ऑफ लॉक्स्टर्स। लॉक्स्टर्स क्या होते हैं भाई? लॉक्स्टर्स, इनको ग्रास हूपर भी कहते हैं। दिखाता हूं लॉक्स्टर्स आपको। लॉक्स्टर्स ये देखा? टिड्डी, टिड्डी देखा है कि नहीं देखा? ग्रास हूपर भी बोलते हैं टिड्डी, टिड्डी दल। अब देखिए टिड्डी दलों ने बहुत सारी फसलों को भी बर्बाद किया, टिड्डी दलों ने बहुत सारी फसलों को भी बर्बाद किया। ये देखिए कैसे लोग टिड्डी दलों के आगे पीछे बेचारे बर्बाद हो गए। ये सब टिड्डियों का समूह है, ये देखिए पूरी फसल चट कर जाते हैं।
ये देखिए टिड्डियों का समूह, इतने इतने टिड्डियां, ये देखिए टिड्डियां। तो ये जो है हमारे क्या हो गए, ग्रास ऊपर भी बोलते हैं इनको, तो टिड्डियों का समूह क्या कहलाएगा? दो दो नाम मैंने दिए, क्लाउड भी कह सकते हो बादल वाला, और प्लेग बीमारी जो एक होती है वो भी दे सकते हो, क्लाउड या प्लेग। टिड्डी, यस स्मिता जयसवाल जी, टिड्डी बिल्कुल कहा, टिड्डी सही जवाब। और बिल्लियों के समूह को क्या बोलते हैं? बिल्ली के समूह को क्या बोला जाएगा? बिल्लियों के समूह को क्लस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ कैट्स। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तभी पीडीएफ मैं उसमें पोस्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद ईगल्स आ जाइएगा, ईगल्स का समूह। ईगल क्या होता है? ईगल माने तो आप जानते हैं गरुड़ होता है, बाज होता है ना। चील, चील क्या बल्कि कहो बाज, अरे सब वही प्रजाति है बाज का। जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड सब एक ही फैमिली के हैं। तो इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कॉन्वोकेशन ऑफ ईगल्स, कॉन्वोकेशन ऑफ ईगल्स। राइनोज क्या होते हैं भाई? राइनोज, राइनोज तो जानते होंगे सर, नहीं जानते? गेंडा, गेंडा स्वामी किसी मूवी में बोला गया, गेंडा प्रलय नाथ, गेंडा स्वामी, गेंडा स्वामी। इसमें क्यों लिख रहा हूँ स्वामी? ओ गेंडा का समूह लिखना है, स्वामी लिख रहा हूं, गेंडों का समूह। प्रलय नाथ, गेंडा स्वामी कौन सी मूवी में है भाई, याद दिलाओ? शायद तिरंगा में है क्या, याद आ रहा है। गरुण भी कहते हैं, यस गरुण, गरुण भी है बाज या गरुण। तो क्रैश ऑफ राइनोस, और राइनोस तो जानते ही हैं आप। अब वुड पैकर क्या होता है? वुड पैकर एक पक्षी होता है, इसे हम कठफोड़वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी लंबी सी चोंच होती है, वो भी आरी जैसी होती है। तो हम आपको वुड पैकर के दर्शन कराते हैं, आप दर्शन करो। दिख जा, ये देखो भाई दिख गया, ये देखो वुड पैकर है। टक 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 मारेगा चोंच से, तो पता चला आर पार पूरी लकड़ी होल कर देता है, ठीक है। इसको कठफोड़वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठफोड़वा। देख लीजिए आराम से, बढ़िया से देखिए आप, अच्छा अच्छा से देखिए, बढ़िया बढ़िया सा देखिए। हाँ जी बिल्कुल, गेंडा, गेंडा भी बोलते हैं। आप जो है राइनोसेरस का जवाब आपने सही दिया है, ठीक है। तो देख लिया है, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो राइनो का कलेक्शन क्या होता है? क्रैश होता है। वुडपेकर का क्या होता है? डिसेंट। क्या होता है? डिसेंट ऑफ वुडपेकर्स, डिसेंट ऑफ वुडपेकर्स। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज, टुडेज लास्ट वर्ड इज स्क्वायरल। स्क्वायरल माने गिलहरी होती है। क्या होती है? गिलहरी। ये स्क्वाड कहाँ से आ गया? ये देखिए, ये आप गिलहरी तो जानते ही हैं आप, ये गिलहरी है। तो गिलहरियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा? गिलहरियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा? गिलहरियों के समूह को हम लोग बोलते हैं ड्रे। क्या बोलते हैं? ड्रे, ड्रे ऑफ स्क्वायरल्स। तो इसको हम बोलेंगे ड्रे ऑफ स्क्वायरल्स, यानी कि गिलहरियों का समूह। और वुड पैकर माने क्या बताया था? कठ फड़वा का समूह। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, लेकिन जिसका कलेक्शन वो
जिसका कलेक्शन है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो भाई आज के लिए बहुत हो गया है, 5 बजे से आपको क्लास दे रहा हूँ, 6:10 हो गया है। ठीक है, तो 1 घंटा 10 मिनट बहुत होता है, इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। और वीडियो भी देखो, लोग धीरे धीरे हमारे दर्शक खिसक रहे हैं, कह रहे हैं भाई मूवी बहुत लंबी चल रही है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने जो है यहाँ पर आकर के वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक का और शेयर का करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, कोई GST नहीं लगना है यार, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई भी बैलेंस नहीं कटेगा, आपको लाइक का बटन दबाना है, शेयर का बटन दबाना है, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरे इस छोटे से नन्हे मुन्ने चैनल को थोड़ा सा ग्रो करा दो, सब लोग लगा दो नीचे से हाथ, बढ़िया थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ना, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो पढ़ने में मज़ा होगा और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, 2-4-5-6 लोगों में यार देखो मैं भी बोर होता हूँ और आप लोगों को भी क्लास क्लास जैसी नहीं लगती होगी। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करते हैं। अच्छा, बोर नहीं हो रहे नितेश जी? लेकिन भाई अब मेरी एनर्जी जा रही है ना, जेब बात। हाँ भाई, जेब बात। ठीक है, गुड बाय।